चैनल रेबी रॉक्स टीम्स, तो मैं आप लोगों के लिए आ गया भाई वो मैच कवर करने जो कि खेला जाएगा लीग का फुटबॉल लीग का LET वर्सेस RS के बीच 1 घंटे 52 मिनट बाद। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा भाई आपको इसकी फाइनल टीम कहाँ पर मिलेगी लाइनअप्स के बाद। लाइनअप्स के बाद आपको इसकी फाइनल टीम मिलेगी मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है एबी रॉक्स ड्रीम 11 टीम्स। तो इधर आपको मैं आपको यहाँ पे टीम दे दूंगा। और बात करें भाई कईयों को मेरा चैनल मिलता नहीं है, बस आपने एबी रॉक्स लिखना है आपको यूं ही शो हो जाएगा मेरा चैनल। बस आपने बस इतनी सी चीज़ लिखनी है आपका शो हो जाएगा चैनल। ये मेरा आइकन है, नहीं शो होता फिर भी मैं आप लोगों के लिए नीचे एक लिंक दे दूंगा। देखिए मैं पहली कॉपी कर लेता हूँ लिंक को, ये मैंने कॉपी कर लिया भाइयों। बाकी लिंक आपको मैं नीचे दे दूंगा, अगर वो कई बार लिंक वर्क नहीं करता तो आपको एक बार नाम भी दिखा दिया। बात करें अगर इस मैच की, मैच है काफ़ी रिस्की, बहुत मतलब मैं क्या बोलूँ, बहुत रिस्की मैच है, इसलिए इसमें बिल्कुल ही लेस इन्वेस्टमेंट करना मैं आपको पहले ही बता दूँ, फिर बाद में ऐसे कहीं लोग ज़्यादा ना कर बैठें। तो चलिए अब आपको टीम दिखाते हैं। टीम दिखाने से पहले ये बोलना चाहूँगा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें अगर हम गोल कीपर की, तो गोल कीपर से लेने वाला ए फर्नांडिस डेस को, जो कि मैं आपको बता दूं काफ़ी बढ़िया गोल कीपर है भाइयों। इस बंदे ने ऐसे ऐसे गोल्स रोके हुए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं 29 फेब के मैच में 14.5 पॉइंट्स इसने दिए थे, जो कि एक इसने पेनल्टी सेव की थी। और ये ऐसे आम तौर पे ऐसे ऐसे काम करता ही रहता है और बहुत ही ज़बरदस्त लगता है मुझे प्लेयर इनका, क्योंकि भाइयों एक बंदा बहुत ही ज़बरदस्त है और काफ़ी बढ़िया प्लेयर है, हद तक सारे गोल ही रोक लेता है दूसरी ओपोनेंट टीम के। बात करें अगर हम यहाँ से डिफेंडर की, तो डिफेंडर से लेने वाला आर वेंजो को, जो कि मैं आपको बता दूं आर वेंजो एक ऐसा प्लेयर है जो कि असिस्ट करने का जबाज़ है, लेकिन कई मैचेस से पीछे तो थोड़ा लो चल रहा है। अगर मैं बात करूं इसकी असिस्ट की तो खास परफॉर्मेंस आ नहीं रही, लेकिन विदाउट असिस्ट एंड गोल के भी आराम से आपको 5 से 6 पॉइंट सिंगल मैच में देने की क्षमता रखता है। नीचे से बात करें यहाँ से लेने वाला टी ग्रेशिया को, तो टी ग्रेशिया एक काफ़ी बढ़िया प्लेयर, आप इसके साथ जा सकते हैं। लेकिन इनकी परफॉर्मेंस अगर आप किसी बड़ी टीम से अगर इससे कंपैरिजन करते हैं तो ये प्लेयर्स काफ़ी लो हैं। अब ये मत समझना कि मैं इनको बढ़िया क्यों बोल रहा हूँ, मैं इनके हिसाब से इनके लेवल के हिसाब से इनको बढ़िया बोल रहा हूँ। वैसे ये सारे के सारे प्लेयर्स काफ़ी लो लग रहे हैं मुझे, बाकी की जितनी मैं टीम्स बनाता हूँ और भी फुटबॉल लीग्स हैं उनके हिसाब से अगर इनका मैच देखा जाए तो काफ़ी हद तक लो है इनका मैच। नीचे से बात करें यहाँ से लेने वाला जॉर्ज कोच, मैं आपको बता दूं जॉर्ज मिरामैन एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, लेकिन LET का और LET का मैच है और RS का, तो RS भी नहीं छोड़ने वाली आज का दिन, और क्या पता LET भी क्या करेगी, इसलिए बहुत ही रिस्की मैच है दोनों दोनों मतलब दोनों में से कौन जीतेगा सबसे पहले तो यही सोचना इतना मुश्किल हो रहा है। बाकी मेरे हिसाब से भाई जीतने वाली है LET, बाकी पता चलेगा क्या होता है। यहाँ से मैं लेने वाला हूँ एन मॉन्रियल को, जो कि एन मॉन्रियल एक नॉर्मल डिफेंडर है, मैं ये नहीं बोलता कि आपको इतने सारे पॉइंट दे देगा, बाकी बात टिकती है कि असिस्ट करता है कि नहीं। असिस्ट अगर नहीं करेगा तो नॉर्मली आपको ज़्यादा नहीं सिर्फ 2 से 3 पॉइंट दे पाएगा। बात करें मिडफील्डर की तो पॉर 2, जो कि मैं आपको बता दूं ये भाइयों ऐसा प्लेयर है, एक तो इसने मतलब आप देख सकते हैं 9 फेब के मैच के बाद कोई इसने एक भी गोल नहीं किया, मतलब मेरे को नहीं समझ आ रही क्या खेल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं भाइयों। मतलब आप देख सकते हैं 7 मार्च, 15 जून, 18 जून, 22 जून, 30 जून इसकी परफॉर्मेंस पहले इतनी अच्छी थी, अब ये 5 मैचेस इतने गंदे खेल के गया कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही नीचे आ गई है। यहाँ से बात करें यहाँ से लेने वाला आर रोचिना को, जो कि मैं आपको बता दूँ अच्छा प्लेयर है भाई ये भी, आप इसके साथ जा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये अनएक्सपेक्टेड खेल जाता है जिसको उम्मीद भी नहीं होती कि, और ये बंदा गोल कर देता है। नीचे से बात करें ये इनका काफ़ी बढ़िया प्लेयर है जे कैम्पेना, ये मेरे को शुरू से अच्छा लगता है जब से लीग शुरू हुई थी, देखो अच्छा है, देखो नॉर्मली अगर गोल करे ना करे लेकिन भाई कम से कम 4 से 5 पॉइंट आपको दे के जाएगा ही जाएगा। आगे से बात करें यहाँ से लेने वाला आरएस का एन मेरिनो को, तो एन मेरिनो ने 22 जून को अनएक्सपेक्टेड गोल किया था जो कि बिल्कुल लोगों को उम्मीद नहीं थी, 35% इसकी थी ओनली सेलेक्शन और इसने गोल कर दिया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगर हम आगे से बात करें तो यहाँ से मैं लेने वाला हूँ एम ऑरेजल बेल को, जो कि मैं आपको बता दूँ ये काफ़ी बढ़िया प्लेयर है इनकी टीम का। अगर बात करें आरएस की टीम की तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो कि एक इतना बढ़िया प्लेयर है जो कि आपको एक प्लेयर रोके आराम से गोल क्या असिस्ट भी करने की पूरी पूरी क्षमता रखता है। और इस प्लेयर को मैं कह सकता हूँ कि आप अगर आप ग्रैंड लीग भी या फिर स्मॉल लीग खेलते तो एज अ वाइस कैप्टन या फिर इसको कैप्टन बना के भी एक बार आप अपनी टीम में ट्राई करके देख सकते हैं। आगे से बात करें यहाँ से लेने वाला बी मेजोरेल को, जो कि मैं आपको बता दूं 39 इसके पॉइंट्स है टोटल, जो कि 20 जून के मैच में आप देख सकते हैं एक गोल करके गया था। लेकिन अगर 20 जून से देखा जाए और आज क्या तरीका, आपको भी पता है 6 जुलाई, और अगर 20 जून और 6 जुलाई के अंतर देखा जाए तो मुझे नहीं पता इन्होंने क्या प्रैक्टिस की है, कितना अंतर आएगा नहीं आएगा। अब प्लेयर का अगर प्रीवियस परफॉर्मेंस देखा जाए तो भाई यही पता चलेगा, क्योंकि अगर हम साल पहले की
परफॉर्मेंस देखते हैं तो उसमें और इस साल में काफ़ी अंतर होगा। आगे चलते हैं, बात करें हम यहाँ से कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो कैप्टन मैं रखने वाला हूँ बी ऑरजल बेल को जो, और वाइस कैप्टन रखने वाला जे कैंपेना को। उल्टा ही कॉम्बिनेशन बनाया आज मैंने, क्योंकि दोनों टीम स्ट्रॉन्ग है, तो वाइस कैप्टन मैंने रख दिया भाई दूसरी टीम का एलईटी का, और कैप्टन रख दिया आरएस की टीम का। देखते क्या होता है भाइयों, क्योंकि अगर इसका गोल हुआ तो अब पता नहीं कौन करेगा असिस्ट, क्योंकि इनके असिस्ट के काफ़ी कम ही प्लेयर हैं मेरे पास, सिर्फ 1, 2 और 3। बाकी ये पता चलेगा अगर यहाँ से गोल होता है एलईटी टीम की तरफ से, तो अगर ये असिस्ट या गोल करता है तो काफ़ी फ़ायदा दे सकता है आपको। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच के प्रेडिक्शन के साथ। अभी के लिए बाय फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ।